नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव हुआ संपन्न, अध्यक्ष पद पर शशि प्रकाश चंदन हुए विजयी। पांच दिवसीय शीतला महोत्सव का विशाल भंडारे संघ हुआ समापन। सीएचएस प्रवेश के संदर्भ में बीएचयू कुलपति आवास के समक्ष एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। और अमेरिकी राजदूत सपरिवार आए वाराणसी, देखी मां गंगा की आरती। और अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ, अध्यक्ष पद पर शशि प्रकाश चंदन ने जीत हासिल की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ का चुनाव छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ। कुल 9,331 मतदाताओं में से 2,954 छात्र छात्राओं ने वोट डाला। काफी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही थी, किंतु विधानसभा चुनाव के चलते तिथि घोषित करने के बावजूद इसे टाल दिया गया था। इसके बाद छात्र हाईकोर्ट चले गए थे, जहां से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को चुनाव कराए जाने की घोषणा हुई। आनन फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर पुराने नामांकन पर ही चुनाव संपन्न कराया। वहीं विजयी प्रत्याशियों में अध्यक्ष पद पर शशि प्रकाश चंदन, उपाध्यक्ष पद पर शिवजनक गुप्ता, महामंत्री पद पर अभिषेक सोनकर, पुस्तकालय मंत्री पद पर शुभम पाल विजयी रहे। मैंने 52 वोटों से जीत दर्ज किया है। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, जिस तरीके से हमें यहाँ की स्टूडेंट्स लड़कियों का सहयोग मिला, यहाँ के स्टूडेंट्स लड़कों के सहयोग मिला, उस सहयोग से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में, आपको पता होगा विश्वविद्यालय में कभी कैंट पे लगा हुआ झंडा, इतना बड़ा झंडा का विश्वविद्यालय में नहीं रहा है। मैं आपसे बात करूँ, समाज चौराहा एक इतना बड़ा चौराहा है, उससे समाज चौराहा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बड़ा सा चौराहा बनाया जाएगा, उसके ऊपर सबसे बड़ा पोल लगाकर सबसे बड़ा झंडा लगवाने का मैं काम करूँगा। हमें लगता है मैं उसकी उस ऊँचाई की बीसी से और अपने लोगों से बात करके झंडा लगाऊंगा, जिससे कम से कम बाहर लोगों को दिखे कि नहीं विश्वविद्यालय में एक झंडा फहराया जा रहा है। हम इस जीत का श्रेय अपने सहभागियों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जिस तरीके से जूनियर टीम मिल करके हमारे साथ रही है, और हमारे जो सीनियर जिनके ऊपर लालचन उठाया जा रहा था लेकिन वो हमारे साथ रहे हैं। वो चाहते थे कि जब एक लड़का विकास करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो हम चाहते हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा जिसमें कि राहुल सोनकर, शुभम यादव, निशु यादव, अनीश सोनकर और ननकू यादव, ऐसे लोग हैं। देखिए, मैं निर्दल हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैं पूरा कोशिश करूंगा, मैं जिस पार्टी से सोचता था कि मैं जिस पार्टी में रहूंगा उसी पार्टी में रहूंगा, समाजवादी पार्टी। मैंने 953 वोटों से छात्र संघ का चुनाव जीता है। प्राथमिकता तो देखिए विश्वविद्यालय में हूँ मैं, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी विश्वविद्यालय में शिक्षा के माहौल को ठीक करना। शिक्षा का माहौल जो है, मैं उसको उसके उच्च स्तर तक ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे गर्ल्स सुरक्षा से, मैं गर्ल्स सेफ्टी के लिए गर्ल्स बूथ स्थापित करना चाहता हूँ। यहाँ पे कई फैकल्टी के विभागों में लाइब्रेरी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे लाइब्रेरी स्थापित हो। उसके अलावा हर फैकल्टी में एक कॉमन रूम हो और महिला बाथरूम हो। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें सिर्फ PhD वालों के लिए साइबर लाइब्रेरी है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे एक कॉमन साइबर लाइब्रेरी हो जिसमें UG और PG के दोनों बच्चे लाभ ले सके। उसका जीत का श्रेय मैं यहाँ के 9,000 छात्र छात्राओं को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे भरोसा किया और इतने भारी मतों से जिताया। निर्दल नहीं, मैं निर्दल नामांकन किया था, लेकिन कुछ दिन पहले संगठन वालों ने मुझे टिकट दिया था ABBP से। पांच दिवसीय शीतला महोत्सव का विशाल भंडारे संघ समापन हुआ। विगत 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलने वाले शीतला महोत्सव का मंगलवार को भव्य भंडारे के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर माता शीतला की विशेष आरती की गई। भक्तों ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर मां की दिव्य झांकी का दर्शन पूजन किया। पंडित शिवप्रसाद पांडे ने मंत्रोच्चार के बीच भंडारे का शुभारंभ किया। इस दौरान हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। माँ के दर्शन व प्रसाद ग्रहण का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा।
गुरुजी किस तरह का आयोजन संपन्न हुआ और आज क्या हो रहा है? 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक भगवती के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत 14 अप्रैल को मां का वार्षिक श्रृंगार झांकी एवं विराट आरती और उसके बाद 5 दिवसीय संगीत समारोह जिसमें ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपनी हाजिरी मां के चरणों में लगाई। इन सभी कार्यक्रमों के अंत में मां के दरबार में अखंड भंडारा, कुमारी बटुक सधवा पूजन के साथ प्रारंभ है। अब मां की आरती हो रही है, आरती के बाद अखंड भंडारा प्रारंभ होगा जिसमें समस्त काशीवासी सादर आमंत्रित हैं और सभी को मां का प्रसाद ग्रहण कराया जाए। हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलने वाले शीतला संगीत महोत्सव का समापन भंडारे से किया जा रहा है जिसमें कन्या पूजन के साथ भंडारे का आरंभ किया जाएगा। और इस भंडारे की ये खासियत है कि इस घाट पे रात्रि 2 बजे 3 बजे तक हजारों हजार की संख्या में सभी धर्म के लोग बैठ के माँ का प्रसाद लेते हैं और जो भी भगवती का प्रसाद लेके ग्रहण करके अपने घर को जाता है, भगवती का दर्शन पूजन करके जाता है, भगवती की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। आज ये भंडारे का आयोजन चल रहा है, प्रति वर्ष आप लोग आते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं माँ के दरबार में? देखिए, ये भंडारा लगभग 600 वर्ष से निरंतर लगातार चल रहा है और परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पाए हैं। काशीवासियों के लिए भी हर्ष का विषय है कि माता शीतला के इस अखंड भंडारे में सभी माता का प्रसाद पाने के लिए आते हैं। बार-बार उधर जाइए जी। ये आस्था और धर्म का प्रमुख केंद्र दशाश्वमेध घाट पर माता शीतला का यह प्राचीन मंदिर और इस पर प्रति वर्ष ये 5 दिन का जो उत्सव चलता है ये काशीवासियों के लिए हर्ष का विषय है और उसी के साथ सभी सनातनियों के लिए हर्ष का विषय है। क्या संदेश होता है माँ के दरबार में? लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, आते हैं, काशी की अद्भुत परंपरा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, काशी की तो पग पग पे अद्भुत परंपरा है, अन्नपूर्णा साक्षात जहाँ स्वयं अन्नपूर्णा साक्षात विराजमान है, जहाँ विश्वेश्वर संपूर्ण विश्व के नाथ विराजमान है, यहाँ की उपलब्धियों का वर्णन कर पाना शायद असंभव है। गंगा तट पर कितना अच्छा लगता है ये कार्यक्रम आप लोगों को? अब इस प्रश्न का तो उत्तर ही दे पाना शायद असंभव है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अगर कोई स्थल है तो शायद ही। सीएचएस प्रवेश के संदर्भ में बीएचयू कुलपति आवास के समक्ष एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। सीएचएस में लॉटरी और मेरिट आधारित प्रवेश का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध करते हुए कुलपति आवास के समक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करने एवं स्कूल प्रवेश परीक्षा बहाल करने हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन कर लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया गया। बुद्धि शुद्धि यज्ञ के माध्यम से ये संदेश भी दिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आए और अब वह विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कर सीएचएस जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश का आधार लॉटरी एवं मेरिट को न बनाते हुए पूर्व की भांति स्कूल प्रवेश परीक्षा कराएं। इस दौरान सत्यनारायण सिंह, सौरभ राय, पल्लव सुमन, अभिनायक मिश्रा, शशिनाथ, आदित्य तिवारी इत्यादि बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किस तरह का यह कर रहे हैं, क्या है वो? देखिए, जैसा सभी को ज्ञात है कि पिछले कई दिनों से जो सेंट्रल हिंदू स्कूल काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबंधित है उसमें प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लॉटरी एवं मेरिट के माध्यम से प्रवेश लेने का निर्णय लिया गया है। इसका विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कई दिनों से कर रही है। विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया, ट्विटर ट्रेंड चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, शव प्रदर्शन किया। उसके पश्चात भी विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांग को सुनने को तैयार नहीं एवं एक सिरे से वह छात्रों के खिलाफ निर्णय ले रहा है। आज विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराया गया है। इस यज्ञ के माध्यम से हम ये अपेक्षा करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आएगी एवं जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है उसमें सभी कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा को बहाल किया जाएगा और छात्रों के साथ जो उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय किया जा रहा है वह बंद होगा और वहाँ फिर से प्रवेश परीक्षा बहाल होगी जिससे सभी प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय होगा। इसीलिए आज यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है और आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी तरह प्रतिदिन
अब नए नए प्रकार से रचनात्मक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और जरूरत पड़ेगी तो निश्चितकालीन आंदोलन भी करेगी। अमेरिकी राजदूत सपरिवार वाराणसी आए, इस दौरान उन्होंने माँ गंगा की आरती देखी। अमेरिकी राजदूत पेट्रिसिया एलेसिना सपरिवार वाराणसी आए, इस दौरान उन्होंने गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की दैनिक आरती देखी। वह कभी सेल्फी तो कभी आरती की यादों को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखे। इस दौरान माँ गंगा की अद्भुत आरती देखकर वे अभिभूत हो उठे। वहीं गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी व सचिव हनुमान यादव द्वारा प्रसाद अंगवस्त्रम भेंट कर उनका स्वागत किया गया। वहीं अमेरिकी राजदूत ने गंगा सेवा निधि विजिटर बुक में लिखा कि बहुत ही सुंदर आरती थी, इस यादगार शाम के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की गंगा आरती में अमेरिका के राजदूत आई हुई हैं और उन्होंने अपनी परम सहभागिता इसमें शामिल की हुई है और उनको अपार हर्ष हुआ है आरती में शामिल होने के क्या, और अभी बीच में उनसे वार्तालाप हुई है जिससे उन्होंने बताया है कि आज इस आरती में उपस्थित होकर के वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू युवा वाहिनी मंडल प्रभारी द्वारा जन सुनवाई की गई। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने हिंदू युवा वाहिनी के गुरु गोरक्षनाथ मंदिर मैदागिन कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की फरियाद सुनी और तत्काल उनकी समस्या का निराकरण हेतु आश्वासन भी दिया। इस दौरान त्रिलोकीराम, आशुतोष सिंह, सुनील सिंह, अजय सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। किस लिए जनता दरबार लग रही, अब तक कितना लोग आ चुके हैं? जन सुनवाई केंद्र हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के तत्वाधान में नवरात्रि से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाना लाभार्थी तक, दूसरा जो जनता की समस्याएं हैं उसके निदान के लिए यहां पे हिंदू वाहिनी के कार्यालय पे ये जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है और प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का प्रयास है कि जो भी जेन्युइन प्रकरण है उनकी सुनवाई हो और उन लोगों को न्याय मिले, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रतिदिन सुनवाई करते हैं। उसके लिए लगातार महानगर के और जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे 9 से 11 बैठते हैं। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान के छात्रों ने नेक पहल की। नारियल के खोल के सहारे पक्षियों के लिए दाना व पानी रखने की व्यवस्था की जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर विभाग के छात्र द्वारा नारियल के खोल को रस्सी के सहयोग से वृक्ष पर लटकाकर उसमें पानी एवं दाना भरकर पक्षियों को गर्मी में सहायता प्रदान की जा रही है। पूरे विश्वविद्यालय में 1000 नारियल के खोल के सहारे ये कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। ये अभियान पूरे विश्वविद्यालय में एक हफ्ते तक चलाया जाएगा। इस पहल की शुरुआत एवं संचालन कृषि विज्ञान संस्थान के स्नातक चतुर्थ वर्ष के छात्र अभिषेक कुमार कर रहे हैं। इस नेक कार्य में उनका अंजलि राय, निशांत सिंह, सौम्य शर्मा, हिमांशु गुप्ता, जानवी सिंह, विवेक, अमित यादव इत्यादि साथ दे रहे हैं। अक्षय जी, किस प्रकार का आप लोग आज यहाँ कार्य कर रहे हैं? सर, हम लोग पक्षियों का सहायता कर रहे हैं। जब जैसे कि आप जानते हैं कि जो तापमान है वो 41-42 चल रहा है, तो मनुष्य इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे, मनुष्य को दिक्कत हो रही है। हम लोग नारियल पानी पी रहे हैं ठंडा ठंडा महसूस करने के लिए, लेकिन पक्षी जो है वो इधर उधर विचलित हो रहा है, बस उनको पानी और खाने की सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली ऐसा करने के लिए? सर, प्रेरणा मिली कि मैं पिछले 3 सालों से यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गमले रख रहा हूँ मैं, लेकिन सर गमले क्या है कि चोरी हो जाता है, तो सर नारियल का खोल जो है वो एक बहुत ही अच्छा उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। पिछले कुछ दौर था जिसमें डेंगू बहुत तेज़ी से लोगों को हो रहा था, उसी दौर में मेरी माता जी को भी डेंगू हुआ, तो घर पे नारियल का खोल आया। उसके बाद सर माता जी ने जब नारियल का पानी पी लिया तो उसमें मैंने पानी भर के पक्षियों के लिए रखा। कुछ दिन तक मैंने उसमें पानी भरा, फिर भूल गया मैं रखना, तो उसमें पक्षियों ने घोंसला बना लिया। तो सर हमारी मुहिम भी यही है कि अभी तो गर्मियों में काम आएगा पानी पीने के लिए पक्षियों के, लेकिन जब सर्दी का मौसम आएगा जिसमें पानी हम नहीं भरेंगे तो कुछ घोंसला बना लेंगी। और सर ये प्राकृतिक के लिए बहुत अच्छा, पर्यावरण के लिए फ्रेंडली है, ये कोई प्लास्टिक नहीं जो नुकसान करेगा, तो पर्यावरण का भी संरक्षण हो रहा है और पक्षियों का भी संरक्षण हो रहा है। तो आप अपनी तरफ से सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सर, पहले सरकार का बहुत धन्यवाद, बीएचयू प्रशासन का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें अनुमति दी कि 1000 पेड़ों पे हम 1000 लटका सकें।
साथ ही सर अपील है कि अभी हम 36 लोगों की टीम है हमारी, तो हम रोज 1000 नारियल नहीं भर पाएंगे, तो जिस विभाग में हम ये नारियल लटका रहे हैं वो लोग भी उसमें पानी भरें, और जो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे जो प्रोफेसर लोग रहते हैं वो लोग बस पानी भरने का हमारी सहायता करें। तो ये कितना आप नारियल अभी लगाएंगे? सर अभी आज तो अभी 10-12 हुए हैं, पीछे पड़े हैं जो कि भी हम लगाएंगे। टोटल सर हमारा लक्ष्य है 1 हफ्ते के अंदर 1000 नारियल लगाने हैं। कहाँ कहाँ लगाएंगे? सर पूरा BHU का जो प्रांगण है हमारा परिसर जो है पूरा कवर करने की कोशिश की जाएगी, और अगर हमारे पास समय रहता है जैसे हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं समय रहता है तो हम BHU के बाहर वाले जो एरिया है उनको भी कवर करेंगे। तो अभिषेक जी जैसे आप 1000 लगाएंगे तो 1000 जगह आप या आपकी 36 टीम तो पॉसिबल है नहीं पानी भरने का, तो पानी कौन भरेगा? सर इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ना कि अभी इस विभाग में हम सुबह आके पानी भर देते हैं, जिस विभाग में जा रहे हैं हम लोगों को बता रहे हैं कि हम नारियल टांग के जा रहे हैं पानी आप भरिएगा, और विभागों के सिवाय अगर हम रेजिडेंशियल एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ लोगों से बता रहे हैं कि नारियल टांग दिया गया है पानी आप भर दीजिएगा। सर अगर वो नहीं भरते हैं तो फिर हमारी एक टीम है जो मॉनिटर करती है किस एरिया में नहीं भरा जा रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस कार्यालय मैदागन में पत्रकार वार्ता को आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए आरोप लगाया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हुए छात्र संघ चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। 17 को नामांकन कराकर तत्काल 19 अप्रैल को चुनाव करा दिया गया, लोगों से मिलने का मौका तक नहीं दिया गया, चुनाव में व्यापक धांधली कराई गई है, हम लोग इसके लिए न्यायालय जाएंगे ताकि न्याय मिल सके, इसके साथ ही जोरदार धरना प्रदर्शन व आंदोलन भी किया जाएगा। देखिए अभी आप सभी को पता चला होगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ का चुनाव कल संपन्न हुआ और उस चुनाव में व्यापक धांधली की गई। उस चुनाव में आप देखेंगे कि जो लगभग काशी विद्यापीठ में 23 बूथ हैं उन 23 बूथों पे जो पड़े मत थे और जब काउंटिंग के मत आए तो उसमें काफ़ी अंतर है, और ऐसा सिर्फ एक दो बूथों पर नहीं है बल्कि 23 बूथों में ज़्यादातर बूथों का यही मामला है। उदाहरण स्वरूप जो हमने आपको बताया कि 21वें बूथ पे 21 नंबर के बूथ पर महामंत्री के जो प्रत्याशी थे उनमें 123 मत पड़ता है और काउंटिंग में 125 मत गिना जाता है। 23 नंबर के बूथ पर जहां पर इन्होंने महामंत्री के प्रत्याशी को हमारे बराबरी दिखाया है वहां पर 45 मत पड़ता है और जब काउंटिंग होती है तो वहां पर मात्र और मात्र 43 मतों का ही ब्यौरा दिया जाता है। तो एक व्यापक धांधली हुई है और इस धांधली में आप देखेंगे सुबह से ही विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी लगा रहा, जहां एक तरफ जिनका विश्वविद्यालय में मत भी नहीं, जिनका विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश भी नहीं था, अगल बगल के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विद्यार्थी परिषद के लोगों को, जहां पुलिस प्रशासन लगातार अंदर घुसा रही थी मतों को डालने के लिए, वहीं हम सभी जो वैध मत थे उनको भी दूर खदेड़ा जा रहा था। हद तब हो जाती है आप देखेंगे जब वोटों की गिनती शुरू होती है तो लगातार आप देखेंगे बीच में कई बार काउंटिंग को रोका जाता है और उन रोके हुए काउंटिंग को आप फिर जब आखिरकार जब चीज़ें सीधे मत से चलें तो आप आखिरकार 5 बार 6 बार आप काउंटिंग को क्यों रोके, और इस दौरान उन्होंने हमारे जो प्रत्याशी थे और जो हमारी मतगणना पर मतगणना कराने वाले लोग थे उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है और सिलसिला यही नहीं शुरू होता है, हमारे जो NSY के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लूट डकैती जैसे संगीन मामलों में FIR दर्ज कर दी जाती है। देखिए जो हमारा मत है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सरस्वती जी का मंदिर है और इस मंदिर में इस प्रकार की व्यापक धांधली हम कहीं से भी सहने वाले नहीं है। हमारा जो प्रत्याशी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऐतिहासिक परंपरा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की इस ऐतिहासिक परंपरा के साथ हम सभी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और हमें माननीय न्यायालय पर पूरा का पूरा भरोसा है और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा यह जो रिजल्ट आया हुआ है इसको हम सभी हाईकोर्ट के उसमें जाकर चैलेंज करेंगे और साथ ही साथ यह लड़ाई ऐसे ही नहीं हमारी खत्म होगी, हम सभी का धरना भी इसके लिए अनवरत जारी रहेगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। बुधवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। उनके आगमन को देखते हुए काशी के चौराहों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ ने बताया कि हमारे बनारस की परंपरा है किसी भी मेहमान की खातिरदारी भव्य होनी चाहिए, इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य तैयारी की गई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री को लगभग 12 स्थानों पर जाना है इसलिए उनके आगवानी में बनारस को सजाया गया है। कार्यकर्ता जगह जगह उनका स्वागत कर रहे हैं, सड़कों पर बांस बल्ली भी लगाई गई है ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, कोई व्यवधान न आए। इस तरह का ये सड़कों को सजाया जा रहा है क्या है?
आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि काशी के लोग अगर काशी में किसी का भी आगमन होता है तो काशी की गरिमा के अनुरूप, काशी के परंपरा के अनुरूप उनका स्वागत करते हैं। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री प्रविंद कुमार जी जो है आज बनारस पधार रहे हैं और कल वो काशी के शहरों को देखेंगे कि काशी वास्तव में किस प्रकार से बदलाव आया हुआ है। ये कि काशी की पूरी विश्व में चर्चा है कि माननीय मोदी जी ने काफ़ी बदलाव किया है, इसीलिए वो कल पूरे बनारस में भ्रमण करेंगे और इसीलिए आज ही प्रमुख चौराहों को, सड़कों को सजाया गया है। उनका 21 तारीख को शाम को 5 बजे होटल ताज से वो निकलेंगे और पुलिस लाइन तिराहे पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय विद्यासागर राय जी के नेतृत्व में प्रमुख स्थानों पर स्वागत, चाहे महानगर के पदाधिकारी हों, मंडल के पदाधिकारी हों, मोर्चों के पदाधिकारी हों, प्रकोष्ठों के सारे लोग लगेंगे। सबसे पहले पुलिस लाइन तिराहा पर स्वागत हुआ होगा, उसके बाद चौका घाट पर स्वागत किया जाएगा और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा भी स्वागत किया जाएगा, जगतगन किया जाएगा, लहुरा भी होगा और इस पिपलानी कटरा जहाँ हम यहाँ खड़े हैं यहाँ होगा, मैदागिन चौराहे पर भी होगा, वहाँ पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से होगा, काशी का होटल के पास होगा और अपना जो निची बाग का भाजपा कार्यालय वहाँ किया जाएगा, साथ ही साथ चौक थाने के समक्ष भी किया जाएगा और आखिरी में जो बाबा विश्वनाथ जी का धाम है बांस पाटक पर, वहाँ पर भी माननीय मॉरिशस के प्रधानमंत्री महोदय का हमारे कार्यकर्ता लोग स्वागत करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव हुआ संपन्न, अध्यक्ष पद पर शशि प्रकाश चंदन हुए विजयी। पांच दिवसीय शीतला महोत्सव का विशाल भंडारे संघ हुआ समापन। सीएचएस प्रवेश के संदर्भ में बीएचयू कुलपति आवास के समक्ष एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। और अमेरिकी राजदूत सपरिवार आए वाराणसी, देखी मां गंगा की आरती। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।